मालवा निमाड़ में बागियों की परफॉर्मेंस पर नजर। जीतने पर कोई सरकार के साथ जाएगा तो किसी ने कहा जनता जो कहेगी वो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालवा निमाड़ की 12 से अधिक प्रमुख विधानसभा सीटों पर बागियों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय रहा। इसमें इंदौर जिले की भी 2 सीट महू और देपालपुर शामिल है। बागियों के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि सीट बीजेपी और कांग्रेस में से कौन जीतेगा, क्योंकि बागी दोनों ही पार्टियों के जीत के समीकरण बिगाड़ने के साथ ही खुद सीट निकालने का दावा भी कर रही है। इन सीटों पर वोटिंग परसेंट ने भी हार जीत का अनुमान गड़बड़ा दिया है। जब बागियों से बात की तो कुछ ने लीड तक बता दी, कुछ ने यह भी बता दिया कि जीते तो किस पार्टी का समर्थन करेंगे। कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, जबकि किसी ने कहा हम जनता के उम्मीदवार हैं, जैसा जनता कहेगी वैसा ही करेंगे। ये बोले बीजेपी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार। कांग्रेस से बागी होकर बड़नगर से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र सिंह सोलंकी ने 5 बार वोट से चुनाव जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी से बागी होकर धार से चुनाव लड़े राजीव यादव का कहना है कि लीड कितनी होगी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन क्लोज फाइट है और मैं चुनाव जीत रहा हूं। मैं तो भाजपा का हूं और भाजपा का ही रहूंगा। महू दरबार से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान, भाजपा में भी सेंधमारी, यहां कांग्रेस से राजेंद्र शुक्ला। भाजपा से ऊषा ठाकुर उम्मीदवार है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो अंतर सिंह दरबार निर्दलीय मैदान में उतर गए। इससे कांग्रेस प्रत्याशी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। भाजपा के इलाकों में भी सेंधमारी कर बीजेपी प्रत्याशी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आलोट 2 बार कांग्रेस से हारे गुड्डू, इस बार बागी पर कांग्रेस को ही नुकसान की आशंका। यहां से भाजपा ने उज्जैन के सांसद रह चुके चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने वर्तमान विधायक मनोज चावला को ही टिकट दिया था। कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से प्रेमचंद गुड्डू 2013 में हार चुके हैं। 2018 में उनके बेटे अजीत बौरासी भी इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। दोनों ने यहां भाजपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी। प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बौरासी सेतिया सांवेर से चुनाव लड़ रही है। इसके बाद भी गुड्डू ने आलोट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में वह कांग्रेस को नुकसान करते नजर आ रही हैं। जोबट भाजपा से बगावत कर निर्दलीय लड़े, भाजपा के सबसे ज्यादा वोट काटेंगे। जोबट से वर्तमान विधायक के बेटे विशाल रावत को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। विशाल रावत 2013 में कांग्रेस से और 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। माधो सिंह डाबर 2018 का चुनाव करीब 2000 वोटों से हारे थे। विशाल रावत को टिकट दिए जाने से वे नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। माधो सिंह ने ज्यादातर बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगाई। कांग्रेस प्रत्याशी को भी यहां बाहरी होने के कारण नुकसान हुआ। यहां कांग्रेस से सेना पटेल मैदान में है। बुरहानपुर हर्ष ने सामाजिक समीकरण सेट किए। भाजपा कांग्रेस दोनों को नुकसान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान संभाल लिया। इससे भाजपा को सीधे तौर पर नुकसान होने की आशंका है। हालांकि सामाजिक समीकरण के चलते चौहान से कांग्रेस प्रत्याशी को भी नुकसान हुआ है। यहां कांग्रेस से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा और भाजपा से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस चुनाव लड़ रही हैं। देपालपुर भाजपा से बागी, कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को बाहरी बताकर चुनाव लड़ा, दोनों दलों को नुकसान। देपालपुर विधानसभा सीट से स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र चौधरी भाजपा से ही बागी हुए हैं। भाजपा से मनोज पटेल को टिकट मिलने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। चौधरी ने कहा था कि जिसके नाम के पीछे पटेल लगा हो वही यहां से क्यों चुनाव लड़े। इसके बाद से वे लगातार भाजपा प्रत्याशी का विरोध करते रहे। हालांकि भाजपा ने इसे कांग्रेस का हथकंडा बताया। चौधरी ने देपालपुर में जिस ढंग से प्रचार किया उससे भाजपा कांग्रेस दोनों को नुकसान होने की आशंका है। जोबट सीट पर सबसे कम मतदान प्रतिशत। अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर प्रदेश में सबसे कम 54.37% मतदान हुआ है। बीजेपी से बागी माधो सिंह डाबर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महू सीट पर वोट परसेंट 77.35 रहा है। यहां से कांग्रेस के बागी अंतर सिंह दरबार को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। देपालपुर सीट पर 82.42 वोट परसेंट रहा है। बागी रहेंगे निर्णायक। अब तक के चुनाव सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों को बहुमत के आंकड़े के करीब सीटें सर्वे और सट्टा बाजार दे रहे हैं। ऐसे में बागियों की भूमिका निर्णायक होने वाली है। बागी जीत हार का समीकरण बिगाड़ेंगे तो इसका सीधा असर सरकार पर पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों में से एक के लिए मुश्किल खड़ी होगी। अगर बागी जीतते हैं तो फिर किसका साथ देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। दोनों ही दलों के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण रह सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।